हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल पेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे AZA और QUT के बीच में जो ओमन D10 का मैच होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर यहाँ पे ओपन करते हुए दिखने वाले हैं, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस मैच के अंदर किसे आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना भाइयों। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो अभी आप लोग सेव कर लो, यहाँ पर ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि देखो अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, उसको भी आपको सेव कर लेना है, और लाइनअप के बाद अगर कोई चेंजेस होता है एक दो प्लेयर तो फाइनल अपडेट आफ्टर टॉस यहीं पे शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है रात 12 बजे ये मैच देखने को मिलेगा, LN क्रिकेट ग्राउंड पे ये मुकाबला होने वाला है। और यहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा बैटिंग पिच है 100-110 के आसपास स्कोर देखने को आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो बैटिंग पिच है, बल्लेबाजों को बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलता है, कुछ बॉलर्स ऐसे हैं ना जो शानदार विकेट्स निकाले हैं, मैं उनका भी नाम आगे आपको बताने वाला हूँ। AZA के जो टीम है, 3 मैचेस खेला है, पहला मुकाबला विन करा था, सेकेंड मैच यहाँ पर लॉस करा है, थर्ड मैच यहाँ पर विन करते हुए आए हैं। लेकिन QUT की बात करेंगे तो पहला मुकाबला QUT की टीम लॉस करा है, सेकंड मैच देखोगे तो यहां पे भी लॉस करा है दोस्तों, थर्ड मैच की बात करेंगे तो यहां पे हालांकि चेजिंग करते हुए जीता है। चलिए बैटिंग ऑर्डर की ओर आगे बढ़ेंगे, जो इसमें फोकस करना है आपको। सबसे पहले अगर आप देखोगे AZA की टीम की तरफ से, यहां पे दोस्तों जैसिम इलाही जो की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, दो ओवर की गेंदबाजी करते हैं, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, दूसरे मैच के अंदर भी 2 विकेट ने निकाले थे, लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो यहां पे 1 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला था। फास्टर गेंदबाजी दोस्तों, ये लगभग देखोगे तो 2 ओवर कंफर्म गेंदबाजी करेंगे, हालांकि लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर डाला था, लेकिन बॉलिंग आपको 2 ओवर तक करते हुए दिखेंगे दोस्तों। बढ़िया बॉलर है, इनको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर आप देखोगे रिवागर के बारे में, तो दोस्तों ये 4 नंबर पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 5 रन बनाया था, फिर यहाँ पे सेकंड राउंड पे खेलते हुए 2 रन बनाया हुआ है, फिर 0 रन। आप इनको ड्रॉप करना, इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं। इमरान मोहम्मद, ये भी दोस्तों 2 ही मैचेस खेला, लेकिन पहले मैच के अंदर 2 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 2 विकेट निकाला है, 2 मैचेस खेला है लेकिन दोनों मैच के अंदर देखोगे तो 2-2 विकेट निकाले हैं। बाकी अहमदुल्ला वहाब की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर फ्लॉप, 3 मैचेस खेला है, तीनों मैच के अंदर ये फ्लॉप रहा है, आप देख सकते हैं एक भी विकेट इनको नहीं मिला है। वसीम अख्तर सेकेंड राउंड पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 59 रन, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर यहाँ पे 1 रन बनाया हुआ है। दोस्तों, बैटिंग इनका बहुत मजबूत है, पहले मैच के अंदर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करा है, आप देख सकते हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अधिक मोहब्बत की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 5 रन, फिर 36 रन, फिर यहाँ पे 7 रन बनाया हुआ है। मंसूर अली पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ 41 रन स्कोर करा है, इनका भी बैटिंग बहुत मजबूत रहता है दोस्तों। मंसूर अली को ट्राई कर सकते हैं, जो 2 ओवर तक कन्फर्म गेंदबाजी आपको करते हुए दिख जाएंगे। यासिर दूर की बात करेंगे, ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 3 रन, दूसरे मैच के अंदर 1 रन पे आउट रहा था, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी शाकिर अहमद, जो कि पहले मैच के अंदर बैटिंग से फ्लॉप, लेकिन बॉलिंग से 3 विकेट निकाले थे, फिर यहाँ पे 2 विकेट निकाला है दोस्तों, सेकंड मैच के अंदर 18 रन स्कोर करा है। मेहदी हसन पहले मैच के अंदर 1 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 5 रन प्लस 1 विकेट निकाला हुआ है। सुफियान यूसुफ फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए दोस्तों 14 रन उन्होंने स्कोर करा है। बाकी यहाँ पे सजाद की बात करेंगे तो ओपन करते हुए यहाँ पे 4 रन बनाया हुआ है, और बाहर की बात करेंगे फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 20 रन स्कोर करा है। तो ये AZA का टीम की तरफ से बैटिंग ऑर्डर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन QUT की बात करेंगे दोस्तों, जितेंद्र सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, जो टीम के ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 13 रन, फिर यहाँ पे 6 रन, फिर 44 रन स्कोर करा है। ये ओपनर बैट्समैन है, अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कश्यप प्रजापति ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 16 रन, फिर यहाँ पे 3 रन, फिर यहाँ पे 2 रन स्कोर कराए थे। दोनों के दोनों जो है ना ओपनर बैट्समैन है, इनको अपने टीम के अंदर आपको जरूर से जरूर ट्राई करना है। शोएब खान फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 25 रन बनाए थे, 1 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला, फिर 23 रन, फिर 2 रन बनाए थे, इसमें भी कोई विकेट नहीं मिला है। लेकिन आयान खान सेकंड राउंड पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 5 रन, फिर 5 रन प्लस 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला हुआ है। हसीर सेकंड राउंड पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 37 रन, फिर यहाँ पे 19 रन स्कोर करा है। टीम का सेकंड राउंड का बैट्समैन दोस्तों,
को अपने टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। संदीप गौर थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर एक रन कोई विकेट नहीं मिला, फिर एक विकेट और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा था। आशीष ये दोस्तों फोर्थ राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 23 रन, दूसरे मैच के अंदर 8 रन स्कोर करा। इनको कोई भी यहाँ पे दोस्तों इतना रिकॉर्ड इतना शानदार है नहीं था, आप इनको चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। सूरज कुमार पहले मैच के अंदर 2 रन, दूसरे मैच के अंदर 19 रन स्कोर करा, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। गणेश की बात करेंगे, 6 नंबर पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 1 रन, बॉलिंग से 2 विकेट, फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाले हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, 2 ओवर कन्फर्म बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे, इनको ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। मुनीश अंसारी पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाला है। ये भी राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, 2 ओवर ये अपने स्पेल के कंप्लीट करते हुए आपको दिख जाएंगे। सिद्धार्थ पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाले हैं, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था दोस्तों, लेकिन गेंदबाजी ये भी करेंगे। बाकी यहाँ पे अयप्पा की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ है। गेंदबाजी इनका भी शानदार है दोस्तों, जो आपको 2 ओवर तक बॉलिंग करते आपको दिख जाएंगे। तो ये जो है ना, ये AZA और यहाँ पे QUT का बैटिंग ऑर्डर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको सेम बैटिंग ऑर्डर लगभग इस मैच के अंदर भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो देखो बैटिंग ऑर्डर पर आपको ना बैटिंग ऑर्डर फोकस करना है कि प्लेयर्स का रिकॉर्ड किस प्रकार है और बैटिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। और इसके बेसिस पर अगर आप चाहें तो प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप यहां से ले सकते हैं, और टीम अगर आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है फिलहाल, तो चलिए आपको हेल्प हो जाएगा दोस्तों, टीम एक बार देख लो। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर से, तो ए मोहम्मद बेस्ट रहेगा AZA के टीम की तरफ से, इनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, मैं इनको ट्राई करूंगा। देखो सूरज कुमार को काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं इनको फिलहाल ड्रॉप करने वाला हूं। ए मोहम्मद मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा दोस्तों, और मैं इनको अपने टीम के अंदर ट्राई करने वाला हूं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो एक बार स्टैट्स जरूर देख लेना दोस्तों, ये मतलब लेट बैटिंग करते हैं इस वजह से मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। और ए मोहम्मद आपको जल्दी बैटिंग करते आपको दिख जाएंगे। बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो 4 बैट्समैन, एच बाहर बेस्ट रहेगा, जे सिंह को मैंने ट्राई किया हुआ है, एम अली का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है दोस्तों, यहाँ पे एस अहमद, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे AZA के टीम के तरफ 2-3 प्लेयर को लिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे QUT के टीम के तरफ से ओनली 1 प्लेयर को मैंने लिया हुआ है। दोस्तों आपके पास देखो ऑप्शन है, के प्रजापति का रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं, लेकिन फिर भी काफी लोग इनको ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे एच अनवर देखोगे दोस्तों, इनका भी रिकॉर्ड मुझे उतना बेहतर लगा नहीं है, अगर आप इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन लास्ट के कुछ मैच के अंदर फ्लॉप रहते हैं। इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखोगे तो बढ़िया खेला था। ऑलराउंडर में देखेंगे 2 ऑलराउंडर जिसमें से QUT के टीम की तरफ से बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इस वजह से मैंने ट्राई किया हुआ है। बाकी बॉलिंग में देखोगे तो 4 बॉलर को मैंने लिया हुआ है QUT के टीम की तरफ से, दोनों गेंदबाज अपने स्पेल के दोस्तों 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी इन दोनों का रिकॉर्ड भी पूरे टूर्नामेंट के अंदर काफी शानदार था, इस वजह से मैं 4 बॉलर के साथ जाऊंगा जो अपने स्पेल के 2-2 ओवर तक आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो मेरा टीम कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए जय सिंह को मैं ट्राई करूंगा, वाइस कैप्टनसी के लिए एस अहमद के साथ जाने वाला हूं दोस्तों, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही काफी बढ़िया टूर्नामेंट के अंदर खेला हुआ है। तो देखो ये मेरी साइड से टीम है बिफोर लाइनअप, टॉस का वेट करना, फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसने भी ज्वाइन नहीं करा है एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना है दोस्तों। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।